हाँ तो बच्चों, आज हम लोग ये वायु जीवन के लिए आवश्यक चैप्टर का, वायु हर जगह है तथा वायु स्थान घेरती है, इसको हम लोग एक छोटा सा प्रयोग के द्वारा देखेंगे। जैसे कि आप हम लोग कहते हैं कि वायु हर जगह है, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि वायु का कोई रंग नहीं होता है, वो पारदर्शी होता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है कि वायु है कि नहीं। उसी तरह वायु स्थान घेरती है, ये भी हमको नहीं पता चलता है। जैसे कि हम कोई खाली ग्लास लिए हैं, इसमें देखिए, हम लोग अक्सर हम लोग बोलते हैं कि ये ग्लास खाली है, लेकिन वास्तव में ये ग्लास खाली नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी जो जगह है उसमें वायु है, हवा है, ठीक है। तो आज हम लोग एक छोटा सा प्रयोग करेंगे, उसमें देखेंगे कि वायु की उपस्थिति, अर्थात वायु हर जगह है और वायु स्थान घेरती है, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये ग्लास से वायु पूरी तरह से बाहर न की जाए, तब तक हम लोग इस पर कोई भी दूसरा चीज को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो वायु स्थान घेरती है, उसको भी हम लोग देखेंगे। इस छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट है, उसका नाम हमने रखा है पेपर ड्राई। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह का ग्लास हम लोग लेंगे, कांच की ग्लास है, क्योंकि इसमें हम लोग देख पाएंगे, पारदर्शी है, इसलिए कांच का लिए हैं, ऐसे कोई भी ग्लास ले सकते हैं। एक जार में पानी लिए हैं, किसी बाल्टी में भी हम लोग ले सकते हैं, और एक सूखा पेपर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से सूखा है। हम क्या करेंगे, इस पेपर को इस तरह से मोड़ करके, ये जो ग्लास है, ये खाली ग्लास है, अंदर सूखा है, हम इसमें पेपर को कुछ इस तरह से रखेंगे कि इसके पेंदी में वो जो है रह जाए। आप देख सकते हैं ये अंदर हमने पेपर को इसमें डाल दिया, सूखा पेपर है। हम देखेंगे कि ये जार देख, आप देख सकते हैं इसमें पानी है, इस पानी में जब हम इसको डुबाएंगे तो देखिएगा ये पेपर क्या होता है, थोड़ा देखते हैं। देखिए, हमने ग्लास को पूरी तरह से पानी के अंदर तक जो है डुबो दिए हैं। अब हम इसको धीरे धीरे हम निकाल रहे हैं। देखिए, हमने पूरी तरह से इसको निकाल लिया है। अब देखेंगे कि क्या अंदर हवा था या नहीं था। चलिए, पेपर को हम अभी निकालते हैं। अगर पेपर सूखी होगी तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अंदर, ये आप खोल करके आप लोग देख दिखा रहे हैं, देखिए पूरी तरह से सूखा है। इससे हम लोग को ये पता चला कि ग्लास के अंदर में हवा थी, वायु था, जिसके कारण, और वायु क्या होती है, पानी से हल्का होता है, जिसके कारण वो हवा ऊपर आने का कोशिश करता है, लेकिन चूंकि अंदर ऊपर बंद है, इसलिए वो हवा बाहर नहीं निकल पाया, और पानी जो है उसके चारों तरफ से होकर के पानी ऊपर आ गया, लेकिन हवा रहने के कारण उस पर पानी जो है अंदर नहीं जा सका। तो इससे हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वायु हर जगह है और वायु जो है स्थान घेरती है। तो इस तरह से ये जो तथ्य है, इसको हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के द्वारा अच्छी तरह से हम लोग समझ गए। तो बच्चों, ये आप लोग को समझ में आया? हाँ सर। चलिए, धन्यवाद।